कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 6 अवकलन डिफरेंटिएशन प्रश्नावली 9। यदि e^2y 1+x बराबर इसे 1 तो दर्शाइए कि d^2y/dx^2 बराबर इसे ब्रैकेट के अंदर dy/dx^2। इसको सिद्ध करने के लिए जो दिया है वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या दिया है? तो हमारे पास दिया है e^y 1+x=1 ये दिया है। तो हम इसका क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिए x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। यदि हम 1+x का अवकलन करें तो 1 आ जाएगा, e^2y तो क्या होगा, 1 का तो 0 होगा और x का 1 हो जाएगा प्लस। अब 1+x को जो कहते हो रहने दे, e^y के सापेक्ष करें तो कंडीशन देखिए, 1+x ज्यों का त्यों रहेगा, e^2y भी वैसे ही, और क्या जाएगा dy/dx=, हमारे पास होगा क्या, 0। अब यदि हम e^y को दाहिनी तरफ भेज दे तो ध्यान से देखिए, 1+x e^y dy/dx, इसको अगर दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दे तो ये क्या जाएगा, -e^y। दोनों तरफ e^y है, अगर हम इसको काट दे तो अगली स्टेप में 1+x dy/dx क्या हो जाएगा, 1+x dy/dx बराबर इसे ऋण। यदि हम 1+x को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दे तो क्या होगा, dy/dx = -1/1+x। पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे हम अवकलन, पुनः किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पुनः जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब कंडीशन देखिए, इधर क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा भैया d^2y/dx^2। अब ये पूरा का पूरा पद कहाँ है, बटे में है। और यदि हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, इसके साथ ये पूरे पद को tiu मानने पर ये अंश में आएगा तो उसकी घात हो जाएगी ऋण एक, और ऋण एक का ऋण एक में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा धन एक, और ये क्या हो जाएगा, 1+x की घात हो जाएगी ऋण दो, तो धन दो, क्या हो जाएगी, धन दो, क्योंकि अंश में ऋणात्मक होगी और हर में क्या हो जाएगी, धन दो। इसका मतलब है हम इसको d^2y/dx^2 इसको हम ऐसा लिख सकते 1/1+x^2, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, -1/1+x^2 भी लिख सकते, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ध्यान से देखिए तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कौन सा है, 2 है। इसका मतलब dy/dx का होल स्क्वायर आ गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर, मान रखने पर, समीकरण 2 में हम क्या करते, मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे ही मान को प्रतिस्थापित करेंगे वो होगा d^2y/dx^2 बराबर इसे dy/dx^2। और यही तो अपने को सिद्ध करना था। क्या लिखेंगे हम, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल धन्यवाद।